तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और गाइज, ये हमारी बुआ जी है जो पता नहीं कहाँ लेके जा रही है आज बुआ। ये बुआ मेरे को शॉपिंग करवाने ले जा रही है राजगढ़ में। तो वैसे मैं तो लेती भी नहीं हूँ कुछ, पर जोरी से ही कह रही है तेरे को एक ड्रेस दिला के लाऊंगी। है बुआ, दुआ देगी तो डुगू को भी दिलाएगी आज बुआ ड्रेस और मुझे भी दिलाएगी। तो हम जा रहे हैं राजगढ़ पैदल पैदल। बुआ मिल तो जाएगा ना अपन रिक्शे। तो हम हमारे घर के आगे ही रोड है, वहां से रिक्शा लेंगे और रिक्शा से राजगढ़ में घूम के आएंगे। तो देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं, वहां जाने के बाद में ही पता लगेगा। अभी तो यही सोच के जा रहे हैं कि दो चार शर्ट लेके आएंगे बस। तो गाइज, बुआ जी रोड पे खड़ी है काफी देर से, लेकिन कोई साधन नहीं आ रहा बुआ। बस में बैठेगा, बस में। खा बुआ खा। डुगू आ जाओ, डुगू आ जाओ, कचौरी खा लो। इसे राजगढ़ की कचौरी मतलब फेमस है, राजगढ़ की कचौरी बुआ। तू को या को लोग देखोगे तो दूर मिंटू तो खूब घूमे यार। तो गाइस, आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरे घर पे आज कौन आने वाला है। और आपको भी पता होगा कि मेरे घर पे कौन आ रहा है। तो आज मेरी बेटी आ रही है ईशु, उसका आज हिंदी का पेपर है, आज 11 तारीख मंडे। तो हिंदी का पेपर देके फिर उसके पापा लेके आ जाएंगे। और गाइस, उसके पापा ने भी पूरी इस महीने की मार्च की पूरी छुट्टी ले ली। तो उसके चार पेपर इम्पोर्टेंट थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS। तो चारों पेपर आज कंप्लीट हो जाएंगे, बचेगा GK और कंप्यूटर। तो मैम ने बोला कोई बात नहीं है, जो पिछले एग्जाम दिए थे ना वो मैं नंबर काउंट कर दूंगी, आप टेंशन मत लो, अपने बच्चे को घर बुला लो। तो ईशु आ जाएगी, ईशु को बहुत खुशी हो रही है। रात को 12 बजे भी मुझे कॉल कर रही थी कि मम्मा, और ना सबसे ज़्यादा तो उसको ऐसा होता है कि निशु है, तो निशु को वो हमेशा बहन ही बोलती है। तो उसको ऐसा होता है कि बहनी तो मज़े ले रही है गांव में। जब ये छोटी थी ना तो बहनी बहनी बोलती थी, तो आज भी वो बहनी ही बोलती है। और निशु बहनी तो मज़े ले रही होगी, बहनी कितनी खुश है, मैं भी बहनी के साथ खेलूँगी, ये वो। और देखो, किसी ने कमेंट भी करा था कि निशु आपकी क्या लगती है, तो वो मेरे से बड़ी, मेरे जेठ जी, मेरे से बड़े वाले, उनकी बेटी है। और वो भी दिल्ली में ही रहती है, पहले भी आई है कई बार ब्लॉक में, आपने नहीं देखा होगा। निशु, अन्ना और टिक्कू उनके ही बच्चे हैं, तो उनके साथ वो भी खेलेगी। तो आज आ जाएगी ईशु। तो गाइज, बने रहना ब्लॉक में, बहुत अच्छा ब्लॉक होगा। तो गाइज, खेत में जाने से पहले पी लेते हैं राबड़ी। तो गाइज, आपको बता दूँ, हमारे घर में अभी भैंस दूध नहीं दे रही, भैंस बिल्कुल लात रही है, बिल्कुल भी दूध नहीं होगा। तो ऐसे चाय पानी के लिए तो हमने मोल लगवा रखा है, पर जो ये राबड़ी घोल के आती है ना छाछ, वो हमारे एक चाची है भाई, जिस दिन से काका गए ना उस दिन से डेली दो दो केतली भर के जाती है। बहुत अच्छी है वो चाची, सुबह ही दे जाती है, पूरे सारा घर वाले पी लेते हैं, सब एक एक दो दो गिलास पी लेते हैं। नहीं तो ऐसे है ना, परेशान हो जाते छाछ के बिना तो, पर डेली दे जाती है बेचारी डेली। तो मुझे अच्छा लगता है, थैंक यू चाची को, जो और काफ़ी दूर का घर है तभी बेचारी भर के दे जाती है, एक बार आ जाती है। तो गाइज, मैं निशु की चोटी बना रही हूँ, एक साइड की देखो कितनी सुंदर बन गई, ये देखो, और दूसरी साइड भी बनाऊंगी अभी, इधर की साइड। तो गाइज, अभी पूरी चोटी बना के और जब मैं आपको बताऊंगी निशु के। तो गाइज, देखो निशु की चोटिया, वाह चोटी कितनी अच्छी चोटी है देखो निशु की, और सुंदर भी लग रही है। तो गाइज, हमने ना छत पे आके बनाई थी, क्योंकि डुगू बच्चा नहीं बना देता था, नीचे से इसकी चोटी खींच रहा था, कभी रबड़ ले रहा था, कभी कुछ। तो मैं और निशु छुपके बनाई है ना निशु, चलो अब चलते हैं नहाते हैं। ये नहाने गाइज मैं अब नहाऊंगी, चलो और चलो अब गोबर भरो। ओ निशु आ जा, चलो चलो मैगी खाऊं, फिर मैगी खिलाऊंगी, गोबर भरो भरो गोबर भरो। क्या बोल रही है इधर मुंह करना, क्या नहीं आता बनना? ये गोबर ही तो है, ये भैंस का गोबर है, उठाओ देखो, उठाओ भरना आएगा, उठाओ बेटा, बच्चों को सारा काम करना चाहिए। दिखा इधर देख, क्या लेकिन मुझे गोबर बनना बिल्कुल नहीं आता, गोबर बनना नहीं आता, क्यों नहीं आता, चल मैं सिखाऊं। निशा उठाओ तो सही आएगा बेटा, उठाओ हाथ लगा, ऐसे नहीं करते, हाथ तो लगाओ उसके, हाथ लगाओ एक बार, लगाओ उठाओ, अब आसे उठाओ उठाओ,
उठाओ, वेरी गुड वेरी गुड, उसमें डालो, उस परात में डालो डालो। अरे वाह वेरी नाइस, अन्ना ने क्या उठा दिया, भैंस का गोबर है। नीशु इधर आ। अरे राम रे, अरे राम रे, हाथ गंदे हो गए? नहीं नहीं हुए, देखो तो ऐसे कब तक उठाओगे आप, पूरा गोबर है। तो ऐसे तू तो धीरे धीरे भर रही है। छोटे कुटकुले से भर रही है ये तो। उठा मेरे को, उठा। तो ये दोनों गोबर फेंक रहे हैं। चल मैं जोर लगाती हूँ ना। तो गाइज मैं आई थी इधर गोबर डालने और मेरे पीछे पीछे ये लड़की फिर आ गई। क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ गोबर डालने आई थी मैं। तो गाइज ये नींबू का पेड़ है और आप इसमें देखो, ये देखो ना फूल, देखो कितने बगर आ रहे हैं कि नींबू आ जाएंगे तो पेड़ टूट जाएगा ना अन्य, है ना अन्य? कौन सी क्लास में पढ़ती है? नौवीं क्लास में। आपके चोटी किसी ने बनाई थी अन्य? चाची ने। पीछे घूम के दिखाओ। वाओ सुंदर लग रही है, कल भी बनवाओगे? हाँ। किससे? चाची से। चाची कौन है? आप। मेरा नाम पता है आपको? क्या नाम है? चाची। और ईशु के पापा का क्या नाम है? चाचा। तो गाइज ईशु भी दिल्ली से तो निकल गई है और अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, मतलब आधा पौना घंटे में, एक घंटे में आ जाएगी। तो गाइज फाइनली ईशु आ गई है। कौन आया? दीदी। ये कैसे कैसे रिएक्शन है दीदी, ये आ गई दीदी। आ जा ईशा। देखो ईशु आजा इधर आ एक बार। गाइज मेरी ईशू हो गई। मम्मा की याद आई थी, मुझे याद आई थी मेरी बच्चा। मम्मा को भी आपकी ईशू बच्ची याद आ रही थी कि मेरी ईशू कब आएगी कब आएगी। तो गाइज मेरी ईशू आ गई। कितनी याद आई थी? इड्डू को ईशो, ये भी बुआ है, छोटी बुआ। जुराब उतार ले बेटा, वो बूढ़ी बुआ है बेटा, वो आंसू भी कर। अन्ना इधर आओ, मिल मिल मिल। ये तेन खूब याद कर रही इड्डू को ईशो। खोलूंगी अभी बहनी। देख राम राम जोर से। हेलो गाइस, ये देखो ना हम दोनों ना यहाँ इसके कमरे में ना मस्ती कर रहे हैं और ना कोई कुछ करना इसको बोलना चाहिए। गाइज मैं तो इसकी कजन हूँ, मैंने तो आपको पहले ही इसके ब्रो पहले तो मैंने तो आपको पहले ही इसकी मम्मी के साथ बता दिया था सब कुछ। और लूना भी डॉग है, जब ये नहीं थी, जब ये तो दिल्ली थी तब तो हमने बहुत मजे किए थे, बहुत सारे ब्लॉग बनाए थे। आज ही हमने एक ब्लॉग बनाया मेरी छोटी बनाते हुए, देखो आज भी दिख रही है, अभी भी दिख रही है, मतलब आज भी नहीं अभी भी। और गाइस ना अभी तो बहुत रात हो चुकी है मुझे, अभी ये 2 घंटे पहले ही आई है। हाँ अभी बहुत रात हो चुकी है और मुझे ना नींद ना इतनी जोर की आ रही है ना, लेकिन ना ये मुझे ना सोने नहीं दे रही। बोल झूठी देखिए देखिए झूठी 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 झूठ बोल रही है। डग्गू डग्गू,
वैसे आपको तो मैंने ब्लॉग में बता ही दिया था कि मैं कौन हूँ, निशु इसकी कजन। और वैसे ही सेम आप तो मुझे शुरू से डांट जान, मैं इसकी छोटी बहन हूँ और मैं ना ब्लॉग बनाती हूँ, तो मेरा नाम ईदीशु या पार्थवी ईदीशु सॉरी सर ईशु इस बार तो बड़ी पूरे घर की सारी जिम्मेदारी उठा रखी है मिंटू ने। थैंक यू सो मच। आज जाके थोड़ा रिलैक्स मिला था क्योंकि आज दोनों टाइम रोटी नहीं बनी, क्योंकि हमारे जो बाबा थे ना उनका आज नुकता था तो वो परिवार में थे, तो वहाँ पे हम खाना खा के आ गए थे, बाकी लोग यहाँ रहे थे उनका आ गया था। तो और भाई सबसे ज़्यादा तो आपको एक बात बताऊँगी, हमारी एक चाची है धोड़ी चाची, थैंक यू सो मच, धन्यवाद धोड़ी चाची को, जो आज है ना 10 दिन हो गए काका को गए हुए कंप्लीट, उस दिन से गाइज ये देखो इतनी बड़ी बड़ी केतली, दो 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 तीन तीन बाल्टी केतली भर भर के हमें छाछराबड़ी देके जाती है सुबह सुबह, ऐसी आत्मा ठंडी हो जावे छाछराबड़ी से मतलब, और कोई नहीं दे सकता, बहुत दूर है उनका घर, पास में भी नहीं है, पर बेचारी टाइम से ही 8 बजे से पहले पहले दे देती है। तो सबने सुबह राबड़ी पी और फिर खाना नहीं बना, हाँ जीव क्या है, तो आज हमें रिलैक्स मिला, नहीं तो पूरा दिन और फिर टाइम भी मिलता है, ईशु के पापा नहीं रहे, डूबू बच्चा परेशान के ऊपर परेशान, खाता ना पीता ना दवाई लेती ना कुछ भी, मतलब इसने परेशान ज़्यादा कर दिया। और देखो एक बात बोलूँ, आप लोग मैसेज कर रहे थे कि दीदी आपको घर का काम, तो मुझे घर का काम सारा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, भैंस हमारी दूध नहीं दे रही, तो नहीं तो मैं दूध भी निकाल लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, मतलब चाहे धीरे करूँ कैसे भी करूँ पर कर लेती हूँ। और आज फाइनली ईशु के पापा आके तो हमारे अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे गाइज, बहुत अच्छे अच्छे, क्योंकि कैमरा मैन कोई था नहीं शूट करने वाला, तो अब ईशु कर लेगी, काफ़ी मैंने ईशु के पापा कर लेंगे, मैं भी कर लूँगी। तो आप लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट, इतने अच्छे से कमेंट्स कर रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप मुझे बता रहे हो, आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट और सपोर्ट करते रहो गाइज, अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। तो इस ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और हम भी रखेंगे।